तो स्टूडेंट्स, हेलो सबको, गुड इवनिंग। मैं आपको वीडियो के थ्रू ये हैशिंग का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, हैशिंग कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक वगैरह, जो यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, तो ये समझ लो। तो हैशिंग का सब शुरू करते हैं सीधा टॉपिक पे। सबसे पहली बात, ये या तो 10 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको आनी तो चलो इसकी थ्योरी है, तो आपको कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हैशिंग क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होता है, सर्च की बताओ, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन, एक दो आप एग्जांपल दे सकते हो हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने की। सारी थ्योरी आपके बुक में है, बस यहाँ आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो 2 नंबर का अगर आएगा तो सिंपल डेफिनेशन वगैरह पूछी जाएगी, जैसे मिड स्क्वायर मेथड क्या होता है, फोल्डिंग मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो समझते हैं, शुरू करते हैं हैशिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं हैशिंग का मतलब क्या होता है और हैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये याद रख लेना, जो हैशिंग है उसमें हम यूज़ करते हैं हैश टेबल, ठीक है। हैश टेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो एरे की फॉर्म में ही है। हैश टेबल में, हैश टेबल आपको पता है एरे एक कॉन्स्टेंट साइज का होता है, तो हैशिंग में क्या हो रहा है, हैश टेबल में जो डेटा है वो स्टोर किया जा रहा है, कहाँ से, डेटाबेस के, डेटाबेस से। तो हैशिंग का मतलब क्या है, हम इस तरीके से डेटा को अरेंज कर रहे हैं ताकि वो बड़ी आसानी से, बड़ी क्विकली हमें वो डेटा मिल जाए, जब हम उसको रिट्रीव करना चाहें तो बड़ी क्विकली वो हमें डेटा रिट्रीव हो जाए, ठीक है। अब रिट्रीव करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, वो डेटा स्ट्रक्चर होगा हैश टेबल। तो हैश टेबल की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा स्ट्रक्चर। तो हैश टेबल क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं ताकि हम एफिशिएंटली उसे डेटा रिट्रीव करें। अब डेटा कैसे रिट्रीव करना है, हैश टेबल जो कि कह रहे हैं हम यूज़ करेंगे यूजिंग हैश फंक्शन, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे अभी हैश फंक्शन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैशिंग आपको समझ में आ गया कि डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव और क्विकली उसे रिट्रीव करना, ठीक है। उसके बाद हैश फंक्शन आपको समझ में आ गया कि हैश फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो हैश टेबल में डेटा स्टोर्ड है, हैश टेबल आपको समझ में आई क्या। तो हैश फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम हैश टेबल में जो स्टोर डेटा है उस डेटा को हमने कैसे रिट्रीव करना है, कौन से मेथड से रिट्रीव करना है, वो है हैश फंक्शन। सर्च की क्या है, जो ये सर्च की सर्चिंग के रिलेटेड नहीं है, सर्चिंग के रिलेटेड थोड़ा बहुत है लेकिन मेन चीज़ क्या है इसमें सर्च, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझ में आ जाएगा। तो सर्च की क्या है, जो डेटा हमने इसमें इंसर्ट करना है, जो डेटा हमने कहीं से रिट्रीव किया, मान लो डेटाबेस से हमने कोई डेटा रिट्रीव किया तो वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, जैसे किसी का स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, तो वो वहाँ से हमने लिया और यहाँ पे हमने कहीं पे इंसर्ट कर दिया यूजिंग हैश फंक्शन, तो वो है सर्च की। सर्च की का नाम सर्च की इसलिए है क्योंकि जब आप डेटा जब आप इसमें सर्च करोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर कोई रोल नंबर ढूंढना है 23, ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं वो कौन से इंडेक्स पे है, इनिशियली तो पता ही नहीं आपको, वो तो कंप्यूटर की मेमोरी को ही पता है। तो सर्च की से हम क्या करेंगे, उस 23 को हम जब सर्च करेंगे तो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, जब हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई 23 नंबर पे जो 3 इंडेक्स है वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको सर्च की बोला जाता है। नहीं तो सर्च की हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं जब जो हमने डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं समझना। तो हैश फंक्शन 4 तरह के होते हैं, डायरेक्ट फंक्शन या मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, फोल्डिंग मेथड और डिवीजन मेथड, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले जो डायरेक्ट फंक्शन मेथड है वो हमने पढ़ना तो है लेकिन उसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात, जो डायरेक्ट मेथड है ये एकदम सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें बिना हमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कोई डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब हम क्या इसमें करेंगे, एक सीधा लोकेशन लेके आए, लोकेशन लेके आए, सीधा उसमें डेटा इंसर्ट कर दिया, तो बिल्कुल डायरेक्ट फंक्शन। तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ना ही ये ज़्यादा सिलेबस में है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है और पेपर में लिखना ज़रूर है, ठीक है। तो अब इसमें है क्या, इसमें हम डायरेक्टली हम एड्रेस टेबल को यूज़ करते हैं। एड्रेस टेबल क्या है, एक हमारे पास डेटा का टेबल हो गया जिसे हैश टेबल बोला, और एड्रेस टेबल क्या है, जो इंडेक्स का टेबल है हमारे पास, वो हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट फंक्शन और मेथड, उसके बाद जो मेन है हमारे, ये 3 मेथड्स हैं मेन, हमने ये तीनों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले डिवीजन पढ़ेंगे, फिर फोल्डिंग, फिर मिड स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर फोल्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिवीजन हैश फंक्शन, ठीक है। एक बात ये भी याद रख लेना, जो अभी एक बार ये भी याद रख लेना, जो हैश फंक्शन होता है वो मैपिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
मैपिंग। मैपिंग का क्या मतलब होता है? मैपिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास डेटाबेस में से आपने वैल्यू उठाई है, यानी जो आपके पास सर्च की है, उसको आपने हैश टेबल में जो लिखना है उसको मैप करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मान लो डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर दिया गया है, ठीक है। इस रोल नंबर में मान लो मेरे पास है 20, 21, 19, 15, ये चार स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास रोल नंबर है। अब मैपिंग में मैं क्या करूँगा, एक हैश टेबल लूँगा, एक एरे लूँगा जिसमें मैंने चार को स्टोर कराने, 1, 2, 3, 4, चार एलिमेंट स्टोर हो गए। इनका कोई ऑलवेज ऑब्वियसली एड्रेस ही होगा, 0, 1, 2, 3, आपने 1 से स्टार्ट करना है 1 से कर लो, 2 से करना है 2 से कर लो, आपकी मर्जी है। और लेकिन 0 या 1 से ही करना ज़्यादा ठीक रहता है, 1 से करना है तो 1 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने 20 को अब कहाँ पर स्टोर करूँ, इन चारों में से मैं 20 को कहाँ पर स्टोर करूँ, ठीक है, वो कहाँ से कैसे मैं स्टोर करूँ, 0 पे स्टोर करूँ, 1 पे करूँ, 2 पे करूँ या 3 पे करूँ, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा हैश फंक्शन, ठीक है। तो ये हैश फंक्शन डिसाइड करेगा। मान लो अभी मैंने हैश फंक्शन करवाना है तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 20 को मैंने जब स्टोर करवाया तो वो मैंने स्टोर करवाया 0 पे ही स्टोर करवा दिया, एग्जांपल, ठीक है। तो जब मैंने 0 पे ही 20 को स्टोर करवा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो डेटाबेस का फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैप कर दिया हैश टेबल के फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब ठीक है, तो ये हम करेंगे हैश फंक्शन के थ्रू। अब आपको समझ में आ जाएगा हैश फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं जब मैं हैश फंक्शन अभी करवाऊंगा तो। लेकिन ये बस एग्जांपल समझ लो कि मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैप कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब ये भी याद रख लो कि हैश फंक्शन को हम इस टर्म में हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं। अब एच का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, हैश फंक्शन, ठीक है। इन चारों में से कोई भी हैश फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इनको हम एच मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद के क्या है, के क्या है, की वैल्यू, की वैल्यू मतलब रोल नंबर दी वैल्यूज, 20, 21, 19 वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये है की वैल्यू, ठीक है। इसके सामने आ जाएगा आपके पास आई, ठीक है, आई आ जाएगा, मतलब के को आपने कहाँ पे जाके स्टोर कर दिया। आई क्या है, ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3, तो ये इंडेक्स है, के है ये वाले रोल नंबर्स, ठीक है। तो के को आपने कहाँ पे एरो लगा के, मतलब के नू कितने से जाके स्टोर करता आई दे अंदर, तो इसको कहते हैं मैप कर देना। तो 20 को मैंने मैप कर दिया 0 की एंट्री पे, 0, 1, 2, 3 क्या है आई, के की वैल्यू क्या है ये 20, 21, 19, 15, और एच क्या है, जिस हैश फंक्शन को यूज़ करके मैंने मैप किया है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, ठीक है। इस चीज़ को बड़ा सा डायग्राम आप वगैरह बना के आप कर सकते हैं, ठीक है, अब पेपर में आप लिख सकते हैं। तो अब ये याद रख लेना कि हम हैश, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हैश फंक्शन को अब हम चूज़ कैसे करें, कैसे कैसे चूज़ करना चाहिए। देखो जो हैश फंक्शन है, सबसे पहले तो देखो हम बात क्या कर रहे हैं कि हमें डेटा इजीली रिट्रीव करना है, इजीली इंसर्ट करना है। तो अगर इजीली इंसर्ट करना है, रिट्रीव करना है, तो हम क्या करेंगे, जो h फंक्शन है, यानी ये h जो है यानी हैश फंक्शन, वो हम ऐसा फंक्शन यूज़ करें जो एक तो बड़ा आसान हो, इजी हो, फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेट करने में आसान हो जाए। अब हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर में हमारे पास 4-5 वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ तो 1000 हो सकती हैं एक डाटाबेस के अंदर। मान लो एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, 1000 तो चलो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स के आसपास एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। अब उस जो डेटा है हमारे पास, उसमें से इतने बड़े डेटा के ऊपर कौन सा हैश फंक्शन सबसे अच्छा रहेगा, तो वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। हम कैसे देखेंगे, वो इजी होना चाहिए, कैलकुलेशन इतनी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हम कैलकुलेशन में उलझ जाएं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशन में वो आसान होना चाहिए, कंप्यूटेशन मतलब कितने ऐसी कहाँ पे वो जो हमने मैप करना है, कहाँ हैश टेबल के कौन से जो इंडेक्स है वहाँ पे हम कौन से इंडेक्स पे वो डेटा हमने मैप करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो कोई भी एक पर्टिकुलर हैश फंक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे पास टू इंडिसेस दे दे। अब ये दो इंडिस, ये क्या इसका मतलब हुआ, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो 20 को या तो मैं 20 को तो 0 पे स्टोर करूँगा, ठीक है। फिर टू इंडिसेस का मतलब क्या हुआ, तो टू इंडिसेस का मतलब यहाँ पे आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक कराऊंगा, CRT कराऊंगा हैशिंग के अंदर, ठीक है। अभी समझ लो कि टू इंडिसेस का मतलब क्या है, कि मान लो अगर 20 है, मान लो 20 की जगह अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई डेटा पड़ा हुआ था, 0 के ऊपर अगर 20 पे यहाँ पे ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा हुआ था, तो फिर 20 को तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर ही नहीं सकता,
तो इसको क्या कहते हैं, कोलिजन हो जाना, टकराव हो जाना। ठीक है, जब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो मेरे पास ये एरे है, ठीक है, मान लो, तो इस एरे में मैं, मेरे पास है 20, 21, 22, ठीक है, 0, 1 और 2 ये इंडेक्स हैं। अब इन इंडेक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो जो फर्स्ट वाला डब्बा है मेरे पास, 0 वाला इंडेक्स है, उसमें एक वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है 12 नाम की, और 20 को मुझे स्टोर ही 0 पे करना है, क्योंकि हैश फंक्शन में जब मैंने कैलकुलेशन की तो 20 0 पे ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं, 0 पे तो ऑलरेडी डेटा पड़ा ही हुआ है, अगर मैं इस डेटा को डिलीट करूंगा तो भी फंस जाऊंगा, क्योंकि डेटा को मैं इंसर्शन करने के लिए, मैंने इंसर्ट करने के लिए इसमें, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इसमें मैंने डाला है, फिर मैं इसको डिलीट क्यों करूं, फिर मुझे फ़ायदा ही क्यों हुआ हैश टेबल का। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, कोई ऐसी जगह देखूंगा जो दूसरा इंडेक्स, कोई दूसरे इंडेक्स पे 20 इंसर्ट हो जाए। ठीक है, 20 किसी दूसरे इंडेक्स पे स्टोर हो जाए। अब इसको बोला जाता है कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टकराव आ जाना, कि हूँ मैं 20 नू उससे स्टोर करवावा 0 दी जगह के 12 नू स्टोर करवावा, कितना समझ आऊगा, वो समझ आऊगा CRT दे नाल, कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक से जो तो करांगे वो तो अपने आप समझ आ जाऊगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा हैश फंक्शन आप, इतना एफिशिएंट हैश फंक्शन यूज़ करो जहाँ पे हमें मल्टीपल इंडेक्स मिल जाएं, अगर 0 नहीं मिला तो कोई और मिल जाए, ताकि हम 20 को कहीं तो स्टोर कर पाएं, स्टोर तो करवाना ही करवाना है। तो इसलिए दो आपकी, तो इसलिए समरी में मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे हैश फंक्शन यूज़ करना है। एक ऐसा हैश फंक्शन यूज़ करना है चारों में से जो एक तो आसान हो, क्विकली कंप्यूट हो जाए, दूसरा दो इंडेक्स की वैल्यूज दे दे, ठीक है, ताकि अगर डेटा पहले इंडेक्स पे नहीं स्टोर हो रहा तो कहीं और इंडेक्स पे स्टोर हो जाए। ठीक है, चलो अब समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट फंक्शन या मेथड। सबसे पहला हैश फंक्शन है हमारे पास डायरेक्ट मेथड या फंक्शन। चलो ऐसा करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में ये अभी आपको डाल देता हूँ।